सुरक्षा कवच में बैठे हुए होते हैं। और ये प्रतीति जन्य है, ये अनुभव जन्य है, ये कोई समझने की या खाली समझाने की बात नहीं है। इस बात को जानने के लिए, इसको प्रतीति रूप से विधि के साथ जब हम अनुभव लेंगे, तभी विधि का आनंद आपको महसूस होता है। इसलिए विधि का वाक्य जो है, विधि का जो अनुपान है, वो विधि के साथ ही होना चाहिए। जबकि हम विधि तो कर बैठते हैं, लेकिन विधि का ढंग जो है, उसकी जो प्रोसीजर है, उसको नहीं हम जान पाते। जिसको हम जिस जरिए करना चाहिए, जिस तरीके से अपनाना चाहिए, उसको नहीं समझ देते रहे, जिसके कारण हम उसका आनंद अनुभव नहीं कर पाते। और इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा है कि विधि भावातीत अनुष्ठान होना चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि विधि भावातीत अनुष्ठान होना चाहिए, कि विधि तो करना चाहिए लेकिन उसमें भाव भी होना चाहिए। कभी कभी हमारे से विधि आगे बढ़ जाती है, भाव पीछे रह जाता है। किस कार्य में, किस अवसर में हमारा भाव आगे बढ़ता है तो विधि पीछे रह जाती है। इसको संतुलित रखना, ये ज्ञान की बात होती है। इसको समझ कर करना, यही ज्ञान की बात होती है। और इसको अपनाना, ये भक्ति और वैराग्य की बात होती है। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, इन तीनों के साथ विधि और भाव को हम अपना सकते हैं। कभी कभी ज्ञान होता है लेकिन उसमें भक्ति का अंश नहीं होता है, जबकि भक्ति होती है लेकिन वैराग्य भी हमारे जीवन में, हमारे कार्य में उसका भी अनुपान के मात्रा में हम संसार से भी विरक्ति लेके उस विधि के साथ जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि कभी कभी होता है ना, हम चाहते कि 2-in-1 काम करे, 3-in-1 काम करे, ये भी करे वो भी करे, तो वो काम नहीं बनेगा। एक समय में जीवात्मा तो एक दिशी है, एक समय में एक ही काम हो सकता है। जब हम दोनों इधर भी और उधर भी काम करने का, विधि करने का प्रयास करेंगे, ना तो मिलेगा हलवा, ना मिलेगा मांडा। दोनों तरफ से गए पांडे, ऐसी हमारी हर विधि के साथ अवस्था होते जा रही। इसीलिए हम आपको यही बात समझा रहे हैं कि आप जब भी विधि करते हो तो विधि के साथ जुटा होना चाहिए। भाव को समझते तो भाव के साथ जुटे होना चाहिए। जब दोनों को एक साथ मिला के काम करोगे तभी ईश्वर को पा सकोगे। ईश्वर को पाने के लिए विधि और भाव, इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जब तक ये दोनों को साथ में लेके चलोगे तभी ईश्वर को उस क्रिया का स्वीकार होता है। हम तो विधि के जरिए, विधि के नाते फूल तो चढ़ा देते हैं, लेकिन उसमें जब यंत्रवत्ता हो जाती है, उसमें जब भाव नहीं उभरता है, जिवे करावे ईश्वरे स्वीकरावे तय द्रव्या भजनाचे गोमटे। शास्त्र कहता है कि हमने तो दिया लेकिन ईश्वर ने तो स्वीकार करना चाहिए कि नहीं। कभी कभी बात ऐसी हो जाती है कि हम तो करने की उम्मीद रखते हैं, करते तो है, लेकिन ईश्वर स्वीकार करता है कि नहीं, इसका हमें तो अनुपान ही नहीं होता है। लेकिन जब ईश्वर स्वीकार करेगा तभी ही शास्त्र कहता है कि द्रव्या भजनाचे गोमटे। हमने कुछ द्रव्य दिया है, पूजन किया, भजन किया, जो भी कुछ किया, हम
हमने करने का कर्तव्य तो किया लेकिन उसको स्वीकार पहुंचा के नहीं। जैसे कि आप मोबाइल में देखते हो कि हमने मैसेज तो भेज दिया लेकिन उसका रिजल्ट आता है ना हमें कि मोबाइल का मैसेज उनको पहुंच गया या व्हाट्सएप का मैसेज उनको पहुंच गया, हमें रिप्लाई मिलता है। ऐसा रिप्लाई हमें भी मिलना विधि के साथ चाहिए कि नहीं? हमने विधि तो की लेकिन वो उसको पहुंच गई या नहीं, हमें रिप्लाई कैसे मिले, उसका आनंद हमें कैसे प्राप्त हो सके? इसके लिए विधि अनुपान का विधि भावातीत अनुष्ठान जब करोगे तब उसका हमें भी रिजल्ट मिलता है, हमें भी उसका फलस्वरूप आनंद आता है, हमें भी उसकी प्रतीति महसूस होती है। ऐसा नहीं कि वो खाली शास्त्र में बात बोली गई है और हम उसको नहीं जान पाते। धर्म कहता है कि उस विधि का हमें भी आनंद और प्रतीति अनुभवित हो सकती है और वो आनंद अनुभव विधि को कैसे प्राप्त करे, इसीलिए विधि वाक्य को जानना चाहिए। आपको पता है कि आपने रिद्धपुर किया हुआ है, रिद्धपुर में महाद्वार के सामने जब आप अंदर प्रवेश करते तो साथ में बाहर एक स्थान भी है जिसको महादाईसा की रंगमालिका सुकवने स्थान बोले जाते हैं। वहां बाहर एक दो स्थान है, छोटा सा मंदिर है, वहां रंगमालिका सुकवने स्थान ऐसा म्हणून ऐसे लिखा हुआ। स्वामी जी के परिवार में ये महादाईसा नाम की माता है, इसका नाम रूपाबाई भी है, और महादाईसा जो थी तो स्वामी जी के सन्निधान में आई हुई थी। आते समय ही स्वामी श्री चक्रधर जी ने उनको बात बोली थी कि श्री प्रभु बाबा जी की प्रवृत्ति कुछ अलग है, वहां का रहना सहना बड़ी सावधानता के साथ होना चाहिए। देखो आप वहां जा रहे हो, कहीं आपका भाव फिसल न जाए, कहीं आपके ऊपर डगर न फिसल जाए, वहां जा रहे हो तो जरा श्री प्रभु बाबा के साथ दूर से जितनी सेवा हो सके उतनी करना है, आगे मत ज्यादा कुछ अनिष्ट जोड़ लेना है। स्वामी जी ने तो बात बोली लेकिन जब भक्त भावनावश हो जाता है तो कर्तव्य को समझता नहीं। कभी कभी कर्तव्यवश होते समय भावनाओं को भूल जाता है और भावनाओं को समझते समझते कर्तव्य को भूल जाता है। महादाईसा का भी ऐसा ही हुआ था, वो स्वामी जी की श्री प्रभु बाबा की सेवा करती थी, उनके मन में कुछ अलग भावना थी लेकिन श्री प्रभु बाबा तो निर्गुण ब्रह्म थे, उनकी सेवा करना कोई सावधानता सहजता थी नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि काफी दिन हो गए और श्री प्रभु बाबा को स्नान नहीं लिया किसने, तो मैं स्नान का प्रबंध करती हूँ। और उसने स्वामी गोविंद प्रभु जी के श्री मुकुट में तेल छोड़ दिया, पूछा नहीं, विनती नहीं की और अनायास से जाके उनके श्री मुकुट में तेल छोड़ दिया। श्री प्रभु बाबा बिगड़ गए, उसने काठी पकड़ ली और उसके पीछे चल पड़े। ऐसे कई बार ऐसे होते थे कि जिससे वो श्री प्रभु बाबा प्रसन्न होने की बजाय उसकी ओर से नाराजी हो जाते थे। उसने काफी सेवा करने का प्रयत्न किया, ये काम करने का प्रयत्न किया, ये सेवा करने की प्रयत्न की लेकिन हर सेवा में हर कार्य में वो कुछ पूरी सेवा श्री प्रभु बाबा को प्रसन्न करने की सेवा उनसे नहीं हो पा रही थी। दो चार दिन ऐसे ही हो गए तो फिर उसने अपने मन में एक दूसरी भावनाओं के साथ एक विधि का अनुपान लगाया। उसने कहा कि छोड़ो भाई, हम तो इतनी नजदीकी सेवा श्री प्रभु बाबा की नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे करेंगे कि बाहर का ही काम करेंगे,
जिस रोड से श्री प्रभु बाबा जी जाते हैं उसी रोड को साफ करेंगे। बस उसने दूसरे दिन से वो सेवा करनी शुरू की जो राज विधि कहते हैं, जहां से श्री प्रभु बाबा जी बाहर निकलते थे उस पूरे रास्ते को साफ करके वहां साफ सुथरा करवा के वहां क्या कहते हैं मराठी में उसको रंगोली कहते हैं, रंगोली डालने की सेवा उसने शुरू की। जिस रोड पर श्री प्रभु बाबा जाने वाले थे उस रोड को उसने साफ सफाया करके वहां रंगोली निकाली। दूसरे दिन जब सुबह श्री प्रभु बाबा जी वहां से निकल पड़े तो जिस रोड पर श्री प्रभु बाबा जी के लिए रंगोली डाली थी उस रोड को छोड़ के श्री प्रभु बाबा दूसरे रास्ते से निकल गए। वो बेचारी देखती रहेगी। हर विधि में हम कैसे सोचते हैं इसके ऊपर भी बात निर्भर होती है। आमतौर पर हम अपनी गलती दूसरों के मथे पर डाल देते हैं, लेकिन महादाईसा ने ऐसा नहीं किया। महादाईसा ने सोचा कि मेरी कुछ जन्मों जन्मों से गलतियां हैं जिसके कारण श्री प्रभु बाबा जी इस रास्ते से नहीं निकल पड़े, मेरी ही कुछ कमी है। दूसरे दिन उसने दोनों रास्ते में रंगोली डाल दी। बात तो वही हुई दूसरे दिन में, तीसरा ही रास्ता श्री प्रभु बाबा जी ने कानिगा निकाल। दिन भर वो दुखी रही, सोचती रही, मन को अपने अपने से कोसती रही, हे प्रभु मैंने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसके कारण मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूं, आज मुझे सेवा करने का मौका मिल गया, अवसर भी आ गया, लेकिन हे स्वामी जी मैंने आपको प्रसन्न नहीं किया हुआ है, लेकिन मेरी भी अपनी जिद है, मैं भी आपको प्रसन्न करके ही रहूंगी। तीसरा दिन तीनों रास्ते में चारों रास्तों में उन्होंने साफ सफाई करके रंगोली निकालने की तैयारी की। दिन प्रतिदिन सेवा करने का अवसर जो था बढ़ाते चल रही थी। पहले दिन तो आधा घंटे सेवा की, दूसरे दिन पौना घंटे, एक घंटे। उस दिन एक दिन तो उसने ऐसा कुछ मौल किया, रात भर जिदपुर के राजमठ के बाहर की चारों तरफ की सभी रास्तों में साफ सफाई करके इतनी गहरी रंगोली निकाली कि कहीं से भी श्री प्रभु बाबा जा न सके। श्री प्रभु बाबा जी तो सुबह उठ के राजमठ के महाद्वार के सामने आए, भक्तजनों का मेला श्री प्रभु बाबा के साथ में था। जब ही श्री प्रभु बाबा महाद्वार के चौखट पर खड़े होके सामने देखने लगे, हर दिन भक्तजन भी देखते थे और हैरान होते थे, इतनी बड़ी माता मेहनत से बनाती है लेकिन श्री प्रभु बाबा सेवा नहीं कर पाते। नागदेवाचार्य जी साथ में थे, एक साथ में माई भट्ट भी जी थे, कोथड़ो बास भी थे, काफी भक्त साथ में थे। और उस समय श्री प्रभु बाबा जी जब बाहर आ गए, नागदेवाचार्य जी बोल बैठे,